ग्रीडी बफेलो वाला। एक गांव में देवानंद नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत मासूम था मगर बहुत मेहनत करके काम करता था। देवानंद की बीवी गंगा बहुत चतुर थी। उसके पति के मासूमियत के बारे में किसी को पता लगने नहीं देती थी। वो घर में दो भैंस को रखकर दूध का व्यापार करती थी। देवानंद और गंगा दोनों मिलकर उनके बेटे विराट को बहुत मेहनत करके पालन पोषण करके बड़ा किया। एक दिन गंगा विराट से, अरे बेटा तुम अभी बड़े हो गए हो, बचपन से तुम्हारे पिताजी के बारे में पता है ना, वो खाली ना बैठकर कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। मुझे हर वक्त उनके पीछे रहना पड़ता है, मेरा भी उम्र हो रहा है, थोड़ा तुम जिम्मेदारी को उठाओगे तो मैं थोड़ा आराम करूंगी, बोली। तब विराट, इस बात के लिए तुम्हें इतना सारा कहना पड़ेगा क्या मुझसे? कल से खेत का जिम्मेदारी, भैंस का जिम्मेदारी, सब कुछ मेरा ही है, तुम फिक्र मत करो और आराम करो, कहा। तब गंगा बहुत खुश हुई। विराट उसके माँ पिता के जैसा नहीं था बल्कि बहुत कंजूस था। भैंस को हर रोज खिलाने वाला चारे में आधा से आधा कम कर दिया। वो देखकर गंगा, अरे बेटा भैंस को देने वाला खाना ऐसे कम करोगे तो वो दूध कैसे देगी रे, बोली। तब विराट, माँ तुम अभी भी कौन सा जमाने में हो, अगर भैंस को एक हार्मोन इंजेक्शन दिया तो वो दुगना दूध देगी, हमें फायदा ही फायदा होगा, कहा। तब माँ, अरे प्रकृति के विरोध में वैसे इंजेक्शन वगैरह करना पाप है बेटा, भैंस के लिए अच्छा नहीं है और वो दूध पीने वाले इंसान के लिए भी अच्छा नहीं है, और बेचारे उन भैंस का भूख कैसे मिटेगा बोलो। तब विराट, अरे माँ तुम वो सब सोचोगी तो कोई फायदा नहीं होगा, मगर जब तुम पूरा जिम्मेदारी मुझे सौंप दिया है तो फिक्र क्यों कर रही हो, जाओ जाओ वो सब काम मैं देख लूंगा, कहा। तब गंगा, अरे बेटा वैसा नहीं है, मैं जो कह रही हूँ वो जरा सुनो, भैंस हमारे घर के बच्चे जैसे हैं, उनको ऐसा आधा भूखे नहीं रखना चाहिए, मेरे बात सुनो बेटा। तब विराट, अरे माँ तुम पूरा जिम्मेदारी मुझे दिया, अगर बीच में आओगी तो तुमको ही पूरा देखना होगा, बोलो, कहा। तब गंगा कुछ भी नहीं कर पाकर वहां से चली गई। फिर थोड़े दिन बीत गए। ठीक तरह से चारा ना खिलाने के वजह से और विराट का दिया हुआ इंजेक्शंस के वजह से भैंस बहुत कमजोर हो गए। गंगा उन कमजोर भैंसों को देखकर बहुत दुखी हो गई। तब विराट से गंगा, अरे तुम्हारे साथ साथ उनको भी बच्चों जैसा बराबर से पाला है रे, उनको ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, बोली। तब विराट, तुम्हें कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है, इनको कल ही बाजार में बेचकर नया भैंस खरीदने वाला हूँ, कहा। तब गंगा, इतना कमजोर भैंस को कोई खरीदेगा क्या, उनको मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इनको अच्छा चारा खिलाकर उनका पोषण करके फिर से ठीक करूंगी। तब विराट, इन कमजोर भैंसों को पोषण करने की कोई जरूरी नहीं है, मैं कुछ ना कुछ करके इनको बेचूंगा, कहा। अगले दिन सुबह विराट ने उन दोनों भैंसों को पंप से हवा भरकर बहुत मोटा बना दिया। फिर विराट और देवानंद उस हवा भरा हुआ भैंसों को ले जाकर बाजार गए। बाजार में इतना मोटा सा भैंसों को देखकर लोग हैरान हो गए। विराट ने बहुत ज्यादा दाम में एक आदमी को वो दोनों भैंसों को बेच दिया और उसके बदले में अच्छा दूध देने वाला दो नया भैंस खरीदा। फिर विराट देवानंद से, पिताजी मैं हमारा खेत के लिए दवाई खरीदने के लिए शहर जा रहा हूँ, रात तक आ जाऊंगा, आप इन दोनों भैंसों को लेकर घर जाओ। तब देवानंद, ठीक है बेटा, बहुत दिन के बाद इस बाजार में आया हूँ, एक घंटा इधर रुककर इधर उधर घूमकर घर चला जाऊंगा, कहा। तब विराट, पिताजी संभाल कर ही जाओगे ना, कहा। तब देवानंद,
तुम जाओ बेटा, तुम्हारा काम करके आ जाओ, मैं एक घंटा रुककर घर चला जाऊंगा, कहा। फिर उस रात को विराट शहर से घर आया। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो गौशाला में उनका पुराना हवा भरा हुआ कमजोर भैंस का हवा पूरा निकालकर सूखे हुए भैंस दिखाई दिए। तब विराट गुस्से से, पिताजी, ओ पिताजी, कल मैंने बाजार से खरीदा हुआ नया भैंस का क्या हुआ, कहकर पूछा। तब देवानंद, अरे वो रास्ते में मुझे तोताराम मिला था, उसने कितना मोटा भैंस खरीदा है पता है तुमको, कि तुमने जो खरीदा है वो भैंस छोटे छोटे से दिख रहे थे, इसलिए उसको वो भैंस देकर उन मोटे भैंसों को मैंने लिया, हमारा कमजोर भैंस को तुमने बेच दिया था ना, वो हमारा घर में वापस कैसे आ गए हैं, और मैंने तोताराम से लिया हुआ भैंस को क्या हो गया है, कहकर पूछा। देवानंद ने जो कहा था वो सुनकर विराट को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आकर सर पकड़ लिया। तब गंगा उनके भैंसों को देखकर बहुत खुश हुई और फिर विराट से, बेटा अगर हम धोखा देने के लिए सोचेंगे तो हमें ही धोखा मिलेगा, इनको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मैं इनको अच्छा खाना खिलाकर फिर से सेहतमंद बनाऊंगी, हमारा व्यापार के लिए अगर चाहिए तो जाकर दूसरा नया भैंस खरीदो। तब गंगा का बात सुनकर विराट घस खाकर गिर गया।